हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं JNU MSc लाइफ साइंस। इसका फर्स्ट कट ऑफ जो आया था 2024 के लिए, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें सभी कैटेगरीज के कट ऑफ को और जो लास्ट कैंडिडेट का जो रैंक था, जिस रैंक पे एडमिशन मिला है, उस रैंक को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हर एक अलग अलग कैटेगरीज के रैंक को भी साथ में डिस्कस करेंगे। सो, अगर आप 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं JNU में MSc लाइफ साइंस के लिए, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। और इसके साथ ही अगर आपको पास्ट पेपर्स चाहिए CUET के, तो इसके लिए भी आप लोग जो है एग्ज़ाम ट्रेजी के नंबर 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके सारा डिटेल्स ले सकते हैं। सो JNU में हर एक साल अलग अलग कट ऑफ लिस्ट आती है, लेकिन मैक्सिमम एडमिशन जो होता है वो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में ही हो जाती है, क्योंकि सेकेंड कट ऑफ में बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनको एडमिशन मिलता है। फर्स्ट कट ऑफ के बाद कोई एडमिशन अपना कैंसिल कराता ही नहीं है, या बहुत कम ऐसा चांस होता है जहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते। तो एक दो सीट मान लीजिए किसी कैटेगरी में आ गई। तो अगर JNU की बात करते हैं, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो टॉप रैंकर्स होना पड़ेगा। सो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो JNU में जो MSc लाइफ साइंस का जो कोड है वो है LSSM, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है, ये आपका रैंक है, रैंक इन टर्म्स ऑफ जो लास्ट कैंडिडेट उस कैटेगरी में जिनको एडमिशन मिला तो उनका रैंक क्या था। वहीं अगर हम ये यहाँ पे सेकेंड कॉलम में देखते हैं, तो ये आपके परसेंटेज मार्क्स हैं। तो JNU क्या करती है कि आपने मान लीजिए आउट ऑफ, जैसे हम जानते हैं CUET का जो एग्ज़ाम होता है वो 300 मार्क्स का होता है, और 300 मार्क्स में आपने सपोज कीजिए 240 स्कोर किया, तो ये आपका रफली जो है 80% निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पे जो आप सेकंड कॉलम में सारे ये सारे जो आप देखते हैं, ये आपका जो है परसेंटेज मार्क्स है, ये आउट ऑफ 300 जो कैलकुलेट करके निकाला जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो मार्क्स है यहाँ पे 76, जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहला, तो ये जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी का जो एडमिशन हुआ है ये 76.67 मार्क्स पे परसेंटेज पे हुआ है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आप आउट ऑफ 300 करना चाहते हैं। तो इसमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। सो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपका फिर फाइनली कट ऑफ निकल कर आ जाता है। तो इसको अगर आप 3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ निकल कर आता है 230 मार्क्स रफली, जो है जनरल कैटेगरी का 230 मार्क्स, यानी जिन स्टूडेंट ने 300 में से 230 मार्क्स स्कोर किया उनको फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन मिल गया जनरल कैटेगरी का। और यहाँ पे जैसे आपको रैंक देखने को मिलता है 14, तो 14 जो है उस कैंडिडेट का रैंक था जिसने 230 स्कोर किया, यानी लास्ट कैंडिडेट जिनको फर्स्ट कट ऑफ में जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिला है उनका जो रैंक था ओवरऑल रैंक 14। अब बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की, तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट में 7th रैंक तक का एडमिशन हुआ है। रैंक की बात करते हैं तो 7 रैंक तक का, और वही मार्क्स की बात करते हैं तो 67.33। तो 67.33 का मतलब हो जाता है आपका रफली 202 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है शेड्यूल कास्ट का। वहीं शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो थर्ड रैंक तक का ही एडमिशन हुआ है, और थर्ड रैंक इसलिए क्योंकि शेड्यूल ट्राइब के लिए अगेन सीट्स बहुत कम हो जाती है। तो शेड्यूल ट्राइब में थर्ड रैंक तक का जो, यानी कि जो लास्ट कैंडिडेट था जिनका एडमिशन हुआ है उनका जो रैंक था ओवरऑल रैंक 3 था। अब 3 का मतलब ये मत मान लीजिएगा अगर 14 यहाँ पे है तो 14 सीट्स है, नहीं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनका मार्क्स अच्छा होता है तो उनको जनरल कैटेगरी में एडमिशन दे दिया जाता है। सो उस चीज को अभी आपको ध्यान में रखना है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टिस में सीट्स देख लें। वहीं अगर हम परसेंटेज मार्क्स की बात करते हैं तो 61, तो ये रफली आपका हो जाता है 183 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है शेड्यूल ट्राइब का।
यही नेक्स्ट आ जाता है आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 54.66 यानी आपका जो रफली हो गया 168 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। अब आ जाता है ओबीसी कैटेगरी में। तो ओबीसी कैटेगरी का जो रैंक था लास्ट कैंडिडेट का ओबीसी का वो था 15 और अगर हम बात करते हैं परसेंटेज मार्क्स की तो 72.667। अब आपको जो है इसको फिर से कन्वर्ट कर लेना है तो ये हो जाता है आपका 218 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। और फाइनली अगर हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करते हैं ईडब्ल्यूएस तो 74.33। तो 74.33 को अगेन आप कन्वर्ट कर दीजिए तो ये आपका 223 मार्क्स आप रफली मान के चलिए जहाँ पे एडमिशन हुआ है। यही ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में लास्ट रैंक जिसको एडमिशन मिला है ये 5 है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर आपको ये पूरा चीज़ समझना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे परसेंटेज डिस्कस कर दिया, यहाँ पे जो है आपको ये डिस्कस कर दिया कि अगर हम 300 की बात करते हैं तो 300 में कितने तक जो है जेएनयू में एडमिशन मिला है। लेकिन इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको क्वेश्चंस के रूप में भी कन्वर्ट करें। क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्टली 75 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस सही करने पड़ेंगे तभी आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। दूसरा, रैंक के साथ साथ आपको जो है एक बार सीट्स को भी देखना पड़ेगा कि कौन से कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, तो उससे आपका पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो एमएससी लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, टॉप यूनिवर्सिटीज, आपको सीवीटी के पास पेपर्स एंड ऑल चाहिए तो आप जो एग्जाम ट्रेजी के नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 8448878849 पे आपको कॉल या मैसेज करके आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ ही एग्जाम ट्रेजी की ये भी कोशिश है कि हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सारे जो कट ऑफ हैं सभी कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में कट ऑफ डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पेपर के बारे में बताएंगे, सिलेबस के बारे में बताएंगे। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे तो फर्स्ट कट ऑफ डिस्कस किया, लेकिन इसी तरीके से आप देखिएगा बहुत सारे कट ऑफ निकलते हैं तो वो किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ और निकला, कितना एडमिशन और, वो तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अगर न्यू है चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें सो दैट जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होता है वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।